अलैहि सलातो व सलाम की सना फरमा रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी आवाज में, इनके इल्म में, इनके अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। तो अहबाबे ज़ीवकार, आइए चलते हैं उस अजीम सनाखाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर कि जिसको जमाना हजरत हसन बिन साबित रजी अल्लाह तआला अन्हो के नाम से याद करता है। ये वो अजीम सनाखाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे कि जब ये अशआर कहा करते थे तो अल्तायदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम इनको ये दुआ दिया करते थे, अल्लाहुम्मा अय्यिदहु बिरूहिल कुदुस, के ए अल्लाह मेरे इस गुलाम की जिब्रील अमीन अलैहि सलाम के जरिए मदद फरमाना। और उस अजीम सनाखाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं जिक्र कर रहा हूँ जिसको तायदारे कायनात अलैहि सलातो वसलाम
जिसके लिए खुद मिंबर बिछाकर कहा करते थे ए हसन आ जरा मेरी नात तो पढ़ना। ये वो अजीम सना खाने मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो क्या फरमाते हैं, आपने जब ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम का हुस्न देखा तो आप कहने लगे कि वह अहसन मिन का लम तरा कत्तुआई नहीं वाजमल मिन का लम तली दिन निसा खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आईब का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाहसन मिनका लम तरा कत्तु आईनी के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़ के हसीन आज दिन तक मेरी आंख ने देखा ही नहीं। आपने आगे इरशाद फरमाया वाजमल मिनका लम तली दिन निसा के या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आंख देखती ही कैसे, क्योंकि आपसे बढ़ के हसीन और जमील आज दिन तक किसी माँ ने पैदा ही नहीं फरमाया। खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइब अल्लाह ताला ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। कान्नका कद खुलिकता का मातशा गोया के अल्लाह ने आपको ऐसे पैदा फरमाया जैसे आपकी रिजा थी। बाबे जी वकार आप अलैहि सलातो व सलाम का हुस्न इस कदर अजीम हुस्न था कि हजरत जिब्रील अमीन अलैहि सलाम ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम के वतुहा वाले चेहरे को तकते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं। ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम ने पूछा कि ऐ जिब्राइल तू आज इतने गौर से क्यों देख रहा है, आज क्या माजरा है, आज क्या मामला है, तो इतने गौर से क्यों देख रहा है। तो सुनिए जिब्रील अमीन अलैहि सलाम आपने क्या अर्ज किया। आप अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लबतु मशारिक अल अर्द व मगारिबहा के अल्लाह की कसम मैं जमीन के कोने कोने में घूमा हूँ, मैं मशरिको मगरिब में घूम के आया हूँ, मैं शमालो जनूब में घूम कर आया हूँ, मैं तहतु सरा से होकर आया हूँ, मैं अर्शे मुअल्ला तक भी गया हूँ। मैंने आदम अलैहिस सलाम को अल्लाह ताला की बरगाह में रोते हुए भी देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मल्लाह बनते हुए देखा है, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने हर चीज को देखा, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बढ़ के हसीन जमील मैंने किसी को नहीं देखा। ये था मेरे ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम का हुस्न। जब जिब्रील अमीन अलैहि सलाम आपने ये अर्ज किया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया कि ऐ जिब्राइल तू कैसी बात करता है, तू देखता ही कैसे, क्योंकि मैंने इससे बढ़ के हसीनो जमील आज दिन तक पैदा ही नहीं फरमाया। ये था मेरे ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम का हुस्न। इसी का नक्शा शायर क्या खूब खींचता है कि हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता, मोहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। बाबे जी वकार ये था मेरे ताजदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम का हुस्न। وسلم عليك يا حبيب الله خدا نے قلم میں कोई
करे नमाज में भी दुरूद ओ सलाम रखा है। तो पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। तुसी आए किड़े पैया बहारा या रसूल अल्लाह। बिल्कुल पढ़ ले कौन पैदा हो जाए। तुसी आए तो किड़े पैया बहारा या तुसी आए किड़े पैया बहाराया रसूल अल्लाह। दिला दा चैन पाया बेकराराया रसूल अल्लाह। दिला दा चैन पाया बे यासीन दे तो मुजम्मिल दे मुदसिर हो अका। तुसी यासीन दे तो मुजम्मिल दे नाले के पुकारा या रसूल अल्लाह। मैं कहड़ा कहड़ा नाले के पुकारा या रसूल अल्लाह। तुसी आए तिकड़े पैया तुसी ओ हाज़िर ओ नाज़िर मेरे वल वी निगाह करना। तुसी ओ हाज़िर ओ नाज़िर मेरे वल वी निगाह करना। मुसीबत विच जदों ही मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। मुसीबत विच जदों ही मैं पुकारा या रसूल अल्लाह। तुसी आए किड़े पैया बहाराया रसूल अल्लाह। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। सुना है के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागाह या रसूल अल्लाह।
رسول اللہ تسی آ گئی بہار آیا رسول اللہ دلا دا چین پایا بے قرار آیا رسول اللہ دن ابر بہارا چائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چائے میرے سرکار آئے میرے آمینہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے جو ہے سب نبیوں کے سرور جو ہے سب نبیوں کے سرور جان مسیح حضر کے رہبر حضر کے رہبر جو لی برنا کام ہے دل کا وادی و داتا آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے جھولی بھرنا کام ہے دل کا وادی و داتا آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے مجھ کو ندائے آئی موصل مجھ کو ندائے آئی موصل دنیا کو بتلا دے موصل سمجھا دے موصل کہ جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے جو ہے نبی کا چاہنے والا اپنے گھر کو سجائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے بارہ ربیع الاول کے دن ابر بہارا چائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے دار کائنات علیہ الصلات والسلام کی مدح فرما رہے تھے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں ان کے علم میں ان کے عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو احباب ذی وقار جس طرح آپ تشریف فرما ہیں جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ محبت اور عقیدت کا اظہار نہیں ہے میں دیکھ رہا ہوں ساری زبانیں خاموش ہیں کوئی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر رہا آپ لوگ نہیں جانتے کہ آپ جس محفل میں بیٹھے ہو یہ کس قدر عظیم محفل ہے یہ محفل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے وہ ذکر کہ جس کو کر کے مومنین کا دل زندہ ہوتا ہے
जिसको करके मुर्दा दिल हयात पाते हैं। जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो जिक्र है कि जिस जिक्र के बगैर रब तआला अपना जिक्र भी कबूल। ज़ायद मर्तबा दीदार किया, ये वो हाफिजुल हदीस इमामुल मुहद्दिसीन इमाम जलालुद्दीन सियूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, आप फरमाते हैं कि ताइदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझसे फरमाया है कि या मुहम्मद मन ज़करनी, कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरा जिक्र करे वलम यज़कुर का, और जो मेरा जिक्र करने के बाद तेरा जिक्र नहीं करता, फलैसा लहू फिल जन्नति नसीब, के जन्नत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं। ये वो जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफल है। आप नहीं जानते कि ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम ने आपके लिए किस कदर दुआएं की हैं, किस कदर ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में रोए हैं, ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम की विलादत होती है तो आपका सर सजदे में होता है, और आप अलैहि सलातो व सलाम की ज़बाने अतहर पर यही अल्फाज जारी होते हैं, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम ने अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी उम्मत से इस तरह किया, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप लोग अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार नहीं कर रहे। ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम ने तो तुम्हारे लिए रो रो कर दुआएं की थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, अपनी जुबान अतहर पर ये अल्फाज जारी किए। जब ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में तशरीफ ले गए तो वहाँ भी आप अलैहि सलातो व सलाम की जबाने अतहर पर यही अल्फाज जारी थे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। और जब कयामत का दिन आएगा तो तमाम गुनाहगार हर नबी के पास जाएंगे, हर रसूल के पास जाएंगे, सब नबियों से गुनाहगार सिफारिश करवाएंगे, हर नबी यही कहेगा आज अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े जलाल में है, आज मैं उसके सामने नहीं जाता, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़े जलाल में है। इतने में जब गुनाहगार ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला के बहुत ही प्यारे महबूब हैं, आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ कीजिए, इल्तिजा कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम अपना सर सजदे में रख देंगे और रो रो कर यही दुआएं मांगेंगे, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, कि ऐ मेरे रब आज मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब आज मेरी उम्मत को बख्श दे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी क्या शान है, आपसे खुद रब तआला ये खिताब फरमाएगा, रब तआला खुद फरमाएगा, ऐ मेरे महबूब जरा वद्दुहा का चेहरा तो उठाना, जरा वल्लैल की जुल्फों को जुम्बिश तो देना, आज मैंने तेरी उम्मत को बख्श दिया है। बाबे जी वकार, आप इस कदर अजीम ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम की उम्मत हैं, तो बिल्कुल खामोश ना बैठिए, अपनी मोहब्बत और अपनी अकीदत का इजहार कीजिए। तो अब मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगले सना खान हाफिज वकारी फजले जलील साहिब को मैं दावत देता हूँ, वो आए और ताइदारे कायनात अलैहि सलातो व सलाम की बारगाह में गुलहाए अकीदत पेश फरमाए। बुलंदवीर, दोनों हाथ उठाकर नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, सना खाने मुस्तफा। وسلم عليك يا حبيب الله حرب اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے अरबे असूल के लिए फितरी असूल
जिंदा है, चुबन में ख्वार रह कर भी भोले जिंदा है, चुबन में ख्वार रह कर भी भोले जिंदा है। जश्न मिलाद बताते जमाने वाले, अरे हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है, अरे हम ही लोग हैं जिनका रसूल जिंदा है। सब पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तू शाह खूबान तू जान जाना, तू शाह खूबान तू जान जाना, है चेहरा है उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, निसार तेरी चहल पहल हजारों ईद रबी उल्लाउल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबी उल्लाउल, सवाए इब्लीस के जहां में सवाए इब्लीस के जहां में, सभी तो खुशियां मना रहे हैं, तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहराए उम्मुल किताब तेरा, न बन सकी है न बन सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा, है तू ही अव्वल है तू दवाम तुझको, है तू ही अव्वल है तू ही आखिर, मिला है हुस्ने दवाम
तुझको है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा है उम्र लाखों बरस की तेरी है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरा है तू ईसाइम अजीब इंसान के रोज महशर से है हरासा है तू ईसाइम अजीब इंसान के रोज महशर से है हरासा अरे तू जिनकी नाते है पढ़ता अरे तू जिनकी नाते है पढ़ता वही तेरा हिसाब लेंगे तू शाह खूबा तू जान जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा में हाफिज़ कारी फजल जलील साहिब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना फरमा रहे थे तो अब मैं नन्हे मुन्ने सना खान मोहम्मद अबू बकर को दावत दूंगा वो आए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना से हमारे कुलूब व जहान को मुनव्वर फरमाए। मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह नूर वाला आया है नूर लेकर आया है सारे आलम ये देखो कैसा नूर छाया है अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह सुभान अल्लाह मोहम्मद अबू बकर साहिब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सना फरमा रहे इनके इल्म इनके अमल में मजीद बरकतें अता फरमाए। तो अब वक्त की घड़ियां खत्म हुई जो हमारे मेहमान खुसूसी मेहमान सना खान बुलबुल मदीना अजीम सना खान मारूफ मारूफ जो पाकिस्तान में नामवर सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिस्ट में आते हैं बस अब उनको दावत दूंगा। तो उससे पहले अगर उस अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ना लिया जाए तो उसके साथ ज्यादती होगी जिसने अपना तन मन धन सब कुछ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए कुर्बान कर दिया। बाबे जी वकार ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मा अला रअसी कुल्ली सनातिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत
जब किसी कौम को देखता है कि वो जवाल पजीर हो रही है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत सदी के शुरू में एक ऐसा मुजद्दिद भेजता है जो उस दीन को दोबारा जिंदा फरमाता है। शबाबे ज़ीवकार पहली सदी के जो मुजद्दिद हैं वो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो दूसरी सदी के मुजद्दिद हैं वो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो तीसरी सदी के मुजद्दिद हैं वो इमाम अबू मंसूर मातुरीदी और इमाम अबुल हसन अशरी रहमतुल्लाह ताला अलैहिमा है। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। और जो चौथी सदी हिजरी के जो चौथी सदी के मुजद्दिद हैं वो कोई और नहीं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जो पांचवी सदी के मुजद्दिद हैं वो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। जो छठी सदी के मुजद्दिद हैं वो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं। इसी तरह सिलसिला चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। जब चौदहवीं सदी आती है तो उस वक्त इमाम इश्क़ो मोहब्बत इमाम अशा इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो मुजद्दिद बनकर आते हैं। और जब वो सदी खत्म होती है तो मौजूदा सदी का जो मुजद्दिद आता है वो कोई और नहीं, वो खादिम हुसैन रिज़वी है। बाबे ज़ीवकार ये वो मुजद्दिद था जिसके जनाजे ने बता दिया कि ये कोई आम बंदा नहीं दुनिया से जा रहा, बल्कि अजीम आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा रहा है। ये वो अजीम मुजद्दिद था कि जिसने दीन को जिंदा कर दिखाया और बच्चे बच्चे की जुबान पर यही नारा जारी फरमा दिया, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, दोनों हाथ बुलंद कीजिए, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिसने बच्चे बच्चे की जबान पर यही नारा लगवा दिया, मन सब नबी जन फक्तुलूहु, मन सब नबी जन फक्तुलूहु, मन सब नबी जन फक्तुलूहु, जो आप अलैहि सलातो व सलाम की जात के बारे में अपनी गंदी जुबान बकवास करे, कोई अपनी गंदी जुबान खोले तो उसका एक ही हल है कि उसके इसके सर को इस जमीन से पाक कर दिया जाए, उसके सर को काट के रख दिया जाए, इस जमीन को पाक कर दिया जाए। जिसने हमें यही नजरिया दिया, जिसकी टांगे तो नहीं थी लेकिन वो उम्मत को टांगे देकर गया है, जिसके अंदर इतनी कुव्वत तो नहीं थी कि वो चल सके लेकिन वो दुनिया को चला कर गया है, वो अजीम आशिक रसूल, आज इंशाल्लाह उनके लिए दुआ भी करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उनके बताए हुए नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं मेहमान खुसूसी मेहमान सुना, ताकि इस घर के दरो दीवार भी गवाही दे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गुलामों ने आपकी महफिल के अंदर बैठकर आपका जिक्र किया था। खुला नवाज के साथ नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक, सनाखाने मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। अच्छा, ये जो इस्लाम भाई बोल सकते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि नौजवान इस्लाम भाई वो अगर इन बच्चों की जगह आगे तशरीफ लें, ये आगे जगह भी खाली है और पीछे आने वाले इस्लामियों को जगह भी मिल जाएगी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। जो हुजूर का दीवाना है और आका के मीलाद में खुश होके आया है वो उठकर मेरे सामने आ जाए। अच्छा, सारे परेशान होके आए, खुश होके, जो खुश होके आया है दीवाना, दो चार दीवाने जरा यहाँ आ गए जाए। और आप भाई थोड़ा सा ना इसको
साइड पे कर ले ताकि जजा कर ला जो जिदी है दया हाथ फजा में जिसको अल्लाह ने ताकत दी है हिम्मत दी है दिल का और सीने का जोर लगा के एक दफा कह दे सुभान अल्लाह। नहीं अभी भी आवाज कम है, कुछ लोग सोच रहे हैं कि बोले या ना बोले। तो मेरे भाइयों ये मेरे लिए नहीं, दीवान भाई के लिए नहीं, हाजी साहब के लिए नहीं, अल्लामा साहब के लिए नहीं, अपने रब की रजा के लिए। मेरा रब फरमाता है कि वो तो पाक ही पाक है सुभान अल्लाह, वो तो पाक है, लेकिन जब हम सुभान अल्लाह की सदा लगाएंगे तो हमारे ये नापाक दिल हमारी नापाक जबाने इसकी बरकत से पाक हो जाएंगी। तो मोहब्बत से बाबा जी बुलंद फिर कह दे सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये जोक चाहिए मुझे, मैं नाथवान नहीं हूँ, मैं दीवाना बंदा हूँ, आप अल्लामा साहब मुझे जानते हैं। मैं इंशाल्लाह दो चार लमात में अपनी हाजिरी कंप्लीट करनी है मैंने, मैं जल्दी आपको छोड़ दूंगा। अल्लाह आपको बरकते अता फरमाए। इंतहाई मोहतरम मोहतशम जमी हजरात उलमाए कराम सादात कराम अगर मौजूद हैं, नाथवाना ने शीरी निशान और जितने उशाकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की इस खूबसूरत रूहानी वजदानी नूरानी महफिल पाक जो कि जनाब राजा साहेब हमारे दीवान भाई ने अपने घर पे सजाई है, रब कायनात इनके घर बार आल औलाद जानो माल इज्जत आबरू इश्क रसूल में सोजो गदाज में मजीद बरकतें अता फरमाए और हम सब के लिए इस महफिल को बख्शिश और मगफरत का जरिया बना के अल्लाह हमें आका की सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। तमाम अहबाब मेरे साथ महाफिल का एक तसलसल है और मेरी मजबूरी यह है कि मैं एक सरकारी नौकरी करता हूँ, आपने अक्सर लोगों ने मुझे देखा होगा कि सुबह 6 बजे यूनिफॉर्म पहन के चला जाता हूँ और शाम को 7 बजे ड्यूटी से वापस आता हूँ और इस दौरान महफिलें भी करता हूँ, दिन को भी महफिलें थी, कल भी मैंने 3 महफिलें की हैं। बहरहाल ये है कि ये एक तसलसल है, ये माइक हमें बाजूकात पढ़ने नहीं देते, इसका अगर कारी साहब मेरी मदद कर दें थोड़ा सा इसको इको बढ़ सकता है तो थोड़ा सा इको दे दें, जो कोई भाई इसको समझते हैं अगर तो अल्लाह बरकत अता फरमाए बस ताकि मुझे पढ़ने में आसानी हो जाए। जज़ाकअल्लाह। आप तमाम हबा गुम्बद खजरा के मकीन पर मेरे साथ मिलकर झूम झूम कर एक दफा इस अकीदत और मोहब्बत से दुरूद और सलाम का नजराना पेश कीजिए कि हम यहाँ से पढ़ें वो मदीने सुने सुभान अल्लाह बाबा से बुलान कह दें और झूम झूम कर एक दफा मेरे साथ कोई जबान खामोश न रहे, जहां जो बैठा है जो जहां भी तशरीफ फरमा है अपने आका पर अकीदत तो मोहब्बत के साथ एक दफा दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या फिर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या حبیب اللہ ارے بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے بندہ مٹ جائے نا آقا वो बंदा क्या है बंदा मिट जाए ना आका वो बंदा क्या है और बेखबर हो जो गुलाम हो से वो आका क्या है बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है और तेरी निस्बत से है तो कीर मेरे लोगों में जो आका की निस्बत से जाके बैठा है हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। नहीं आवाज कम है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। तेरी निस्बत से है तो कीर मेरे लोगों में
तेरी निस्बत से है तो कीर मेरी लोगों में। अरे तू अलग हो तो मेरी जात में रखा क्या है, तू अलग हो तो मेरी जात में जका क्या है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहिस्सलाम रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब रब रब कर दिए दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। मेरी रूह पे रब रब कर दिए दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। बोल दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो, मेरा दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। जिस दिन दमिलो को फड़िया है, जिस दिन दमिलो को फड़िया है, एक मस्त फकीर दपल्ला हो। मेरी रूह पे रब रब कर दिए दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। मेरे जो पे रब रब कर दिए दिल कर दे अल्लाह अल्लाह हो। मैनू रंग फकर दा चढ़िया है, मेरे लेख दा बेड़ा तरिया है। मैनू रंग मुर्शिद दा चढ़िया है, मेरे लेख दा बेड़ा तरिया है। हर कम हो गया सवल्ला हो, दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह हो। बोल दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह हो, मेरा दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह हो। जदू लड़ मुर्शिद दा फड़ लईए, जदू पीर नू राजी कर लईए, जदू लड़ मुर्शिद दा फड़ लईए, जदू पीर नू राजी कर लईए, फिर बंदा नी रहंदा कल्ला हो। दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह हो, बोल दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह हो, मेरा दिल कर दाए अल्लाह अल्लाह हो। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, वो बकरो उमर बन जाते ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, उस्मान गनी बन जाते ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ मौला अली बन जाते ने। नारा हैदरी, नारा हैदरी। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ मौला अली बन जाते ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ गौसे जली बन जाते ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ दाता पिया बन जांदे ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ गंज शकर बन जांदे ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ मेहर अली बन जांदे ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, ओ शहर मदीने जांदे ने। जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, जेड़े अल्लाह अल्लाह कर देने, रोजे दी ज़ियारत पांदे ने। मेरी रूह पे रब रब कर दिए दिल कर दे अल्लाह 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 हू।
है सुभान अल्लाह। बाबा जिबला जिसको अपने रब का जिक्र सुन के लुत्फ आया है वो सीने का जोर लगा के कहिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एक नाथ शरीफ पढ़ते हैं, आपने मिलकर पढ़ना इंशाल्लाह लुत्फ आएगा कि नबी के लब पर जो जिक्र आया, जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। तो कमाल आया आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना है, सबको ये नाथ शरीफ याद होगी, ये बच्चों को इंशाल्लाह हमने सिखाना है, वापस से पढ़िएगा। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बल कर, जो हिजरे तैबा में याद बल कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे मैं याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। और तेरी दुआओं की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर, जो हक में उम्मत के तेरे लब पर ख्याल आया, कमाल आया। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। और गुरूर गुरूर का तोड़ डाला लगा के माथे पे तिल खुदा ने, गुरूर गुरूर का तोड़ डाला लगा के माथे खुदा ने। जो काले रंग का गुलाम तेरा, जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। जो काले रंग का गुलाम तेरा बिलाल आया, कमाल आया। और नबी तो साए में सभी के आला है, रुतबे सब के अजीम व बाला। नबी तो साए में सभी के रुतबे सब के अजीम बाला, मगर जो आखिर में आमिना का, मगर जो आखिर में आमिना का वो लाल आया, कमाल आया। मगर जो वो लाल आया, कमाल आया।
पर जो जिक्र गैब मिसाल आया माशाल्लाह। पंजाब की एक नाथ शरीफ के चंद अशार पढ़ते हैं, जो मदनी मुन्ने बोल रहे हैं, जिन जिन के पास बैठे हैं जरा खामोश करवा दें, इन्हें कहें हुजूर की नात सुने, इसे याद करें, गलियों में गाने गुनगुनाने के बजाय मेरे नबी की नात पढ़ें। मोहब्बत से आप कह दें सुभान अल्लाह। हश्र तक मुस्तफा ने बादशाहियां तेरियां, हश्र तक मुस्तफा ने बादशाहियां तेरियां, हश्र तक तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां, तर गए जो कर गए आका गदायां तेरियां, नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमायां तेरियां, नूरियां दे शाह कोलों तलियां चुमायां तेरियां, शर दे दिल एक खुदा दे सामने दितियां दुहाइयां तेरियां, एक खुदा दे सामने दितियां दुहाइयां तेरियां, और आखिया शबीर ने नाने नुए वक्ते नजाम के सह नहीं सकदा दिल मेरा, नाना जुदाया तेरियां सह नहीं सकदा दिल मेरा, नाना जुदाया तेरियां, हश्र तक या मुस्तफा ने बादशाहियां तेरियां। कहते सुभान अल्लाह। ये माइक चूंकि मुझे इतना ही पढ़ने दे रहा है और आप भी मोहब्बत वाले बैठे हैं, इंशाल्लाह आप मेरा साथ और ये महाफिल, तो महसूस होता है कि सरकार तशरीफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने आका की महफिल से जाते हैं। आइए नाज़िर साहब की इस नात के चंद अशआर पढ़ते हैं, आपने साथ देना है इंशाल्लाह, और मिलके पढ़ेंगे कि हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ बोले यार, अगर थक गए तो छोड़ देते हैं, मोहब्बत से बोले क्या कहना है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, खुश होके बैठे, आका का मिलाद है और मिलाद जो है ये खुशी का मौका होता है। अल्लामा साहब ने आपको सुनाया होगा कि आयत पाक भी है कि कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिक फलयफ़रहु, कि जब तुम्हें कोई नेमत मिले तो फिर क्या करो, खुशियां मनाओ, तो खुश होके बैठे और एक दफा मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह। दिलों के गुलशन महक रहे ये कैफ क्यों आज आ रहे,
कुछ ऐसा मैं गैसो से हो रहा है, कुछ ऐसा मैं गैसो से हो रहा है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, फैला रहे हैं। और कहीं पे रौनक खैमे कशों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, कहीं पे महफिल है दिल जलों की, ये कितने खुश बात हैं जो अपने, हम कितने खुश बात हैं जो अपने नबी की महफिल सजा रहे हैं, हम कितने खुश बात हैं जो अपने नबी की महफिल जा रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, बोले हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और हबीब दावर गरीब परवर रसूल अकरम करम के पैकर, रसूल करम करम के पैकर, किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं, किसी को दर पे बुला रहे हैं, किसी के ख्वाबों में आ रहे हैं। और मैं अपने खैर वरा के सदके मैं उनकी शान अता के सदके, मैं उनकी शान अता के सदके, भरा है ऐबों से मेरा दाम, भरा है ऐबों से मेरा दाम, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं, भरा है ऐबों से मेरा दाम, हुजूर फिर भी निभा रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और बनेगा जाने का फिर बहाना, कहे गया कर कोई दीवाना, कहे गा कर कोई दीवाना, चलो नियाजी चले मदीने, चलो नियाजी चले मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। नारा तकबीर। अच्छा ये आखिरी नारा है, मैं देखता हूँ कि हुजूर का दीवाना कहाँ बैठा। नारा तकबीर पर एक हाथ और नारा रिसालत पर दोनों हाथ। मैंने या रसूल अल्लाह की सदा पढ़नी है और चार शेर पढ़ने हैं मैंने आला हजरत के, इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। नारा तकबीर। नहीं, पीछे वाले दीवाने हाथ उठा के नारा तकबीर, नारा रिसालत। आखिरी कलाम, इसके बाद मैंने सिर्फ एक ना एक पढ़नी मनकबत का एक शेर पढ़ना है, और मुझे पता चले कि हुजूर के दीवाने वाकई आका का इश्क लेके आए हैं, झूम झूम के हाथों को उठा के और झूम झूम के पढ़ना है। या रसूल अल्लाह,
बल्ला पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, बोलो ऊंचे में नबी का झंडा घर घर पर लहरा, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, पुकारो ना या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, और खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह के नारे से गम को प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाएंगे, खाक खो जाए चल कर मगर हम तो रजा, दम जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, बोले ऊंचे में नबी का झंडा घर घर पर लहरा, पुकारो या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मंथार की आमद, हाथ उठाकर बोलो शर्माना छोड़ो, यासी की आमद, वहां की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, शहब या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। बस एक शेर मैंने पढ़ना है नबी के घराने का और मेरी हाजिरी मुकम्मल। से दीवान भाई ने मुझे कहा था कि आपने लंबा करना है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इतना ही पढ़ सकूंगा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। एक दफा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आले सुन्नत हैं और आले सुन्नत नबी के घर वालों से भी और नबी के दर वालों से सबसे प्यार करते हैं, नबी के घराने का जिक्र करते हैं। एक शेर पढ़ूंगा, आपको अगर लुत्फ आए सीने में इंशाल्लाह, ठंड पड़े तो आपने बाबा से बुलंद कहना है सुभान अल्लाह। नबी का घराना बड़ी शान वाला, बोले नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना। मैं इसलिए खामोश हूं, देखो कौन कौन पढ़ रहा है। आखिरी शेर है, सब मिल के पढ़ लीजिए। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला है, ये आस्ताना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, और कसम खुदा की कसम खा
बड़ी शान वाला ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مالك كون مكان يا رب محمد مصطفى عليه تحية والصلاة تیرے پیارے محبوب کی یاد میں برادر اکبر راجہ صوفی دیوان علی صاحب نقشبندی نے جو اپنے گھر میں اس خوبصورت بزم کا محفل میلاد کا انعقاد کیا اس محفل پاک کے شروع سے لے کر اختتام تک جتنی بھی آیات بیان کی تلاوت ہوئی سناہانی ہوئی ذکر و اذکار ہوا بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ محمد عاطف اتاری بھائی نے نذرانہ عقیدت پیش کیا یہ لنگر شریف کا اہتمام ہوا الہی سب کو تیری کریم برگاہ میں پیش کرتے ہیں قول و منظور فرمایا اس کا ثواب تاجدار انبیاء علی تحیت و ثنا کی برگاہ رسالت مآب میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً قربتاً عزاً عائزاً غلاماً پیش کرتے ہیں قول و حضور فرما نبی پاک صاحب الاک علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات امہات المؤمنین آپ کی جمیع آل پاک جمیع صحابہ و صابحات تابعین و تابعات خلفائے راشدین پنجتن پاک چار یار تمام سلاسل کے بزرگان دین کے روح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قول و حضور فرما بالخصوص پیران پیر محی الدین الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک برگاہ میں بلندی درجات کے لیے پیش کرتے ہیں قول و منظور فرما الہی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی فیض سے ہم سب کو حصہ وافر عطا فرما الہ العالمین آقا علیہ السلام کے امتی آج دن تک جتنے بھی صاحب ایمان اسفان دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی روح کو پیش کرتے ہیں قول و منظور فرما نیکوکاروں کی مزید درجات کو بلند فرما گناہگاروں کے گناہوں کو معاف فرما کر جنت کے بالا خانے نصیب فرما الہی بالخصوص جن کے لیے اس دنیا میں کوئی بھی دعا کرنے والا نہیں جو آج سات کی نظر ہوئے پانی کی نظر ہوئے آگ کی نظر ہوئے جن کے قبور کے نشان مٹ چکے ہیں سب کی روح پیش کرتے ہیں قول منظور فرما سب کی بلا حساب و کتاب بخشش مغفرت فرما بالخصوص حاضرین محفل میں سے جن کے اباؤ اجداد والدین میں بہن بھائیوں میں دادا قاری میں نانکو دادکو میں آج جن تک ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے سب کی روح پیش کرتے ہیں قول منظور فرما سب کی بخشش مغفرت فرما بالخصوص صاحب خانہ کے ننحال و ددحال میں راجہ الادتہ صاحب راجہ صوفی دیوان علی صاحب اور دیگر ان کے برادران کے ننحال و ددحال میں آج جن تک صاحب ایمان فان دنیا کو چھوڑ چکے ہیں سب کی روح پیش کرتے ہیں قول منظور فرما بالخصوص راجہ صوفی دیوان علی صاحب کے والدین کریمین
और नाना नानी दादा दादी इस खानदान से ताल्लुक रखने वाले जितने भी साहिब ईमान फान दुनिया को छोड़ चुके हैं सब की रुआ पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा, सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबकी ज़िंदगी खताओं को अपनी अदाओं में तब्दील फरमा, सबको जन्नत के बाला खाने नसीब फरमा, जन्नत की हवाएँ जन्नत का बिछोना नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन सबकी कबूल अपनी रहमतों और बरकतों का ला तदाद नज़ूल फरमा, सबको रोज़े माशराक अलैहिस्सलाम की शफाअत कुबरा से वाइसा वाफ़िरत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिस प्यार मोहब्बत के साथ राजा सूफ़ी दीवान अली साहब ने अपने इस घर में महफिल मिलाद का इनेकाद किया तेरे प्यारे महबूब की याद में, इसको इलाही कबूल और मंजूर फरमा कर अपने वादे के मुताबिक इनको अजरे कसीर अता फरमा, इनको रिज़्क़ के हलाल में फरवां बरकतें अता फरमा। जिस इलाहुल आलमीन नीयत को रखते हुए जिन इलाहुल आलमीन हजात को रखते हुए इन्होंने इस महफिल पाक का इनेकाद किया, इनकी तमाम नेक हजात नेक मन्नाओं को पूरा फरमा, इनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, इस घर पर घर के रहने वालों पर अपनी रहमतों बरकतों का ला तदाद नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन पूरा साल इस घर पर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमा, अपनी बरकतों का ला तदाद नज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन इनकी तमाम मुश्किलात को आसान और तमाम इलाही नेक हजात को पूरा फरमा। अल्लाहुम्मा अग़फिर वारहम वअंता खैरुर राहिमीन, اللهم اغفر لنا من كل بلاء دنيا وعذاب الاخره انك على كل شيء قدير। इलाहुल आलमीन हाज़रीन का आना इनका बुलाना अपनी पावर का में कबूल और मंजूर फरमा, तमाम हाज़रीन को हर हर कदम के बदले करोड़ों नेकियां अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन आखिर में दुआ करते हैं राजा सूफी दीवान अली साहब के बच्चों की खैर फरमा, इलाही इनका मुस्तकबिल रोशन फरमा, हर तरह की शर से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन बच्चों को इलाहुल आलमीन नेक बना और दीवान अली साहब को बच्चों की खुशियां नसीब फरमा, हर तरह के दुख से महफूज फरमा। सल्लल्लाहु तआला इलाहुल आलमीन बिलखुसूस आज इस महफिल पाक का सवाब शेख उल हदीस व तफसीर अजीम आशिक रसूल इलाही करोड़ों सुनियों के दिलों की धड़कन इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत हज़रत अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब नव्वर अल्लाह मरकज़हु की रूह पुरफुतूर को इस महफिल पाक का खुसूसी तौर पर सवाब पेश करते हैं, बोला मंजूर फरमा, कलम के दर्जात को बुलंद से बुलंदतर फरमा, क्योंकि मिशन से हम सबको वफा करने की तौफीक अता फरमा, जो काज जो मिशन हमें दे करके हैं उस पर हमें इस्तकामत अता फरमा। इलाहुल आलमीन आशिक रसूल को उनके मिशन के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमा, इस मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसमें इस्लाम का बोलबाला फरमा, इलाही इस्लाम का कला और इस्लाम का इस मुल्क पाकिस्तान को गवारा बना। इलाहुल आलमीन निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए हम सबको कोशा रहने की तौफीक अता फरमा, हमें नेक हुक्मरान और क़यादत नसीब फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।